Hello everyone, welcome back. We have in our last video, few videos, we already started our writing skills, some points, that is a lesson statement of purpose, and in that we have already seen what point should be mentioned while writing down SOP, that is called statement of purpose. हमने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी स्टार्ट किया था लेसन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 3.4. तो वहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि आपको किस तरीके से कौन से पॉइंट्स कौन से पैसेजेस में आपको मेंशन करने हैं. तो एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी दिखा है जहाँ पर मीन्स यू कैन से डायरेक्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो जो स्टूडेंट था वो इंटरेस्टेड था और उसको यूके की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उसको एडमिशन लेनी थी. वो सीकिंग एडमिशन इन यूके यूनिवर्सिटी. तो एट दैट टाइम वो किस तरीके से SOP लिखता है, किस तरीके से वो अपने पॉइंट्स रखता है. और हमने पहले भी यहाँ पर देखा है कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि SOP का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको उस कोर्स में आपको इंटरेस्टेड है, जो कोर्स आपको करना चाहते हैं, तो व्हाई यू आर इंटरेस्टेड ऑफ डूइंग दैट कोर्स, आपको कोर्स करने में इंटरेस्ट क्यों है. तो आपको वो मेंशन करना है. फिर आपका जो कोर एक्टिविटी है आपको वो मेंशन करनी है. आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ होगा, मतलब आपने अगर कुछ एजुकेशन के अलावा जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं अगर आपने वहाँ पर कुछ किया है आपको वो लिखना है. और जो सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको कोर्स करना है वहाँ पर इंटरेस्ट किस तरीके से क्रिएट हुआ है वो हमने देखा, मतलब वो आपको लिखना है. तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था कि जो स्टूडेंट था उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसको करना है, उसका फ्यूचर वहाँ पर मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स उसको करना था. तो ऐसे इसमें वो जिस तरीके से पॉइंट्स लिखता है इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. तो वी कैन यूज दिस एग्जाम्पल एज अ प्रैक्टिस ऑल्सो. और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इफ पॉसिबल जस्ट ट्राई टू राइट डाउन SOP इन योर ओन वर्ड. जैसे यहाँ पर कुछ कोर्सेस उन्होंने दिए हैं, जैसे कुछ कोर्सेस यहाँ पर दिए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि फर्स्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में. वो एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में देखा था. टुडे वी आर गोइंग टू सी आर सेकंड एग्जांपल, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का. जो ये जो कैंडिडेट है या फिर जो स्टूडेंट है उसको किस में इंटरेस्ट है, इसको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है. तो अब ये देखा था हमने इंजीनियरिंग का, और मैंने पहले भी कहा था यहाँ पर मेंशन भी किया है कि रिगार्डिंग द कोर्सेस, ठीक है, इफ द कोर्सेस आर वेरिस देन योर SOP शुड बी और मस्ट बी वेरिस. ठीक है, मतलब अगर आपको जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग के बारे में दिया तो ऑफकोर्स आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया गया, तो उन्होंने साइंस के सब्जेक्ट्स वहाँ पर मेंशन किए. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर आर्ट आता है. इट मीन्स कि उसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स किस में करना है, BA में करना होगा. तो ऐसे इसमें वो किस तरीके से SOP लिखेगा अगर जिसको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है या फिर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है वो कैंडिडेट. नाउ मूव ऑन टू दिस सेकंड एग्जांपल. एवर सिंस चाइल्डहुड द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी हैज फैसिनेटेड मी. आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज इकोनॉमिक थ्योरीज एंड एन्जॉय चैलेंजिंग माई सेल्फ टू फाइंड कनेक्शंस बिटवीन इट्स डिफरेंट सेक्टर्स. अब देखो हमने पहले भी कहा था, सबसे पहले तो आपको जो जिस विषय में आपको कोर्स करना है हमें वहाँ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिखना है. तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग कैसे हुई इस SOP की, कि वो कह रहा है कि देखो एवर सिंस चाइल्डहुड द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी हैव फैसिनेटेड मी. मतलब चाइल्डहुड से मैं अपने अगर बचपन से बात करूँ तो कह रहा है कि बचपन से मुझे जो इकोनॉमी है वो हमेशा मुझे फैसिनेट करती थी, वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे. आई लव बींग एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज इकोनॉमिक्स थियरीज एंड एन्जॉय चैलेंजिंग माई सेल्फ टू फाइंड कनेक्शंस बिटवीन इट्स डिफरेंट सेक्टर्स. और वो मेंशन कर रहा है मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है, ठीक है, उसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं खुद को ही चैलेंज कर रहा हूँ कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स डिफरेंट सेक्टर्स में जो है उसका कनेक्शन से या फिर डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरीके से वो काम करती है. मैं इसको जानने की मैं क्या करूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, आई हैव दैट क्यूरियोसिटी टू नो हाउ दिस इकोनॉमिक्स वर्क इन अ डिफरेंट सेक्टर एंड दे हैव द कनेक्शंस विद इन इट. आई हैव बीन कैप्टिवेटेड बाय द वे दिस सब्जेक्ट इज अप्लाइड इन एवरी डे लाइफ इन द मोस्ट बेसिक ऑफ वेज ऑफ एग्जाम्पल. वो कह रहे कि मैं बहुत ही अट्रैक्ट हुआ हूँ कि किस तरीके से जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स किस तरीके से हमारे जो डेली लाइफ है किस तरीके से हमारे यहाँ पर वो अप्लाई होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि डिसाइडिंग व्हाट ब्रांड ऑफ मिल्क टू बाय, जैसे कौन सा ब्रांड का हमें दूध यूज करना चाहिए, हाउ इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस समथिंग एज मेजर एज द चेंजेस एक्सचेंज रेट्स, और किस तरीके से जो एक्सचेंज रेट्स होता है, किस तरीके से रेट्स एक्सचेंज होते हैं, मतलब बढ़ते हैं कम होते थे, किस तरीके से होता है, तो व्हाट फैक्टर्स अफेक्टेड व्हाइल दिस
हम जो कहते हैं कि जो रेट्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि एक सॉसेज से अलावा बता दो आपको, जैसे हमें पता है कि हम लोग अगर कुछ खरीदते हैं तो उसकी प्राइस हाइक होती है, ज़्यादा होती है, कभी लो भी होती है, तो व्हाट फैक्टर्स अफेक्टेड ऑफ दिस प्राइसिंग, ठीक है, तो इसमें कौन से प्राइसिंग अफेक्ट, मतलब क्या फैक्टर्स है जो इस प्राइस को अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर बोल रहे हैं. लिविंग इन इंडिया आई एम नो स्ट्रेंजर टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी. अब वह बोल रहा है कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं शायद से इससे मैं ऐसा नहीं कहूँगी आई एम स्ट्रेंजर कि मुझे पता नहीं है. वो कहते हैं कि नो आई नो, वो कहते हैं कि ऐसे मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे पता नहीं कि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और पावर्टी नहीं है. वो कहते हैं कि यस, मैं शायद से इस बात से अनजान नहीं हूँ कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट और पावर्टी है जिसका अफेक्ट, जो अफेक्ट करता है हमारे इकोनॉमी को. By increasing my knowledge is this subject, in this subject I hope to better understand these problems and find possible solutions. और वो कहते कि वो जो मैं अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ इसी होप के साथ कि मैं इसको और ज़्यादा समझूँ और मैं कुछ सोल्यूशंस यहाँ पर निकाल सकूँ. जो इकोनॉमी से हमें दिख रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है हमें, जो पावर्टी दिख रही है उसके बारे में. I aspire to study economics principally because of the diversity of both the subjects and its applications and because I find it fascinating and challenging at the same time. अब वो कह रहा है कि मैं इस इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा एस्पायर, मैं मतलब आई एम इंटरेस्टेड इकोनॉमिक्स प्रिंसिपली बिकॉज, वो कह रहा है कि ये जो डाइवर्सिटी है सब्जेक्ट में उसके एप्लीकेशंस में, मैं इसको मतलब मुझे जानने की वहाँ पर बड़ी ख्वाहिश है. बिकॉज आई फाइंड इट फैसिनेटिंग एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है एट द सेम टाइम. मुझे क्या लग रहा है, ये बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है बिकॉज इकोनॉमी के सिर्फ एक हम लिखे थे कि एक रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ पर किस तरीके से इकोनॉमी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी, हम उसको कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं हमारे सोसाइटी से. तो कहीं ना कहीं वो इसी बात को मेंशन कर रहा है कि चैलेंज है मेरे लिए कि किस तरीके से इकोनॉमी डिफरेंट इसमें काम करती है. हैविंग स्टडीड द सब्जेक्ट थ्रू आउट माई हाई स्कूल आई बिलीव दैट द पॉसिबल डेप्थ टू विच इट मे बी स्टडीड आर ऑलमोस्ट एंडलेस. वो कह रहे कि जो मैंने स्टडी किए है सब्जेक्ट मेरे पूरे स्कूल लाइफ में, हाई स्कूल में, वो कहते कि इस पर मेरा विश्वास है क्या, द पॉसिबल डेप्थ टू विच इट मे बी स्टडीड आर ऑलमोस्ट एंडलेस, कि उसका जो डेप्थ है उसका, उसकी जो गहराई है उसको समझना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है बिकॉज इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इट टेक्स अ टाइम, इट नीड्स अ टाइम एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड डीपली द इकोनॉमिक्स. और वही वो कह रहे हैं एंड द नंबर ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस टू विच इट इज रिलेवेंट इज सिमिलरली वास्ट. और किस तरीके से जो हमारा रियल लाइफ सिचुएशन है, किस तरीके से इकोनॉमी फैक्टर अफेक्ट करता है, ये भी बहुत वास्ट है. इन एडिशन टू कीपिंग अब्रेस्ट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द क्विकियर फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई एस्पायर टू फर्दर स्टडी द आइडियाज ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग टू कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग आवर एक्सप्लेनेशंस ऑफ मार्केट इवेंट्स. अब देखो एट द सेम टाइम व्हाट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है यहाँ पर, कि वही कि वगैरह कि इसमें और मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो ये है कि इन एडिशन कीपिंग ब्रेव इज द वर्ल्ड इकोनॉमी. जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जैसे हमें देख पता है ये इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वहाँ पर आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द क्विकियर फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स. जो क्वर्कियर फील्ड से किस तरीके से, जो दूसरे क्वर्कियर फील्ड से किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, वो मुझे जानने की मतलब इंटरेस्टेड हूँ मैं. एंड आई एस्पायर टू फर्दर स्टडी द आइडियाज ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. और मुझे और क्या करना है, मुझे और इंटरेस्ट है जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में उसमें, एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग टू कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग आवर एक्सप्लेनेशंस ऑफ मार्केट इवेंट्स. और रैशनल डिसीजन मेकिंग, रैशनल इन द सेंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो हमारा होता है डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक्स, उसको वो क्या करना चाहते हैं, उसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं जो मार्केट इवेंट्स है वहाँ पर. अ बुक दैट रियली इंटरेस्ट मी इज थिंकिंग. वो कहते हैं कि एक बुक है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, वो है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैनमैन एंड इंटेस्टिफाइड माई डिजायर टू डेल्व डीपर इन टू द फील्ड. और वो कह रहे कि एक जो थिंकिंग है जो फास्ट एंड स्लो, किसने लिखी है, डैनियल कैनमैन ने जो बुक लिखी है, वो कह रहे कि जब भी मैं ये बुक पढ़ता हूँ थिंकिंग,
जिसके ऑथर या फिर राइटर कौन है, डैनियल कैनमैन। तो मुझे कहीं ना कहीं वो होता है कि कहीं ना कहीं मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है इकोनॉमिक्स में, एंड इंटेंसिफाइड माई डिज़ायर टू ड्वेल डीपर इन टू दिस फील्ड्स, और मुझे फिर से इंटेंसिफाइड करता है कि इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा मैं डीपली स्टडी करूँ और उसको ज़्यादा समझूँ। To further understand the practical applications of economics, I intend at an auditing firm. An auditing firm. अब ये कह रहे हैं कि देखो, to further understand practical applications of economics. अब economics से पढ़ने के लिए नहीं होती या फिर economics से समझने के लिए नहीं होती, तो हमें पता है कि जैसे आपको पता है ऑडिटिंग होता है, जैसे बड़े बड़े फर्म से, बड़े बड़े बिजनेस से वहाँ पर ऑडिटिंग होता है हर साल। तो वहाँ पर किस तरीके से ऑडिटिंग फर्म है, तो वो कह रहे हैं कि आई इंटर्न एट एन ऑडिटिंग फर्म। वो कहते कि मुझे कहाँ जाना है, और फिर जो ऑडिटिंग फर्म है जैसे ऑडिटिंग करते, जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट उनको पता है कि ऑडिटिंग स्पेशली क्या होता है करके, तो वो कहती कि मुझे सो इंटरेस्ट है। दिस हेल्प मी रियलाइज हाउ इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस प्ले अ की रोल इन द रनिंग ऑफ बिजनेस। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से मुझे हेल्प होगा कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक्स है और फिनेंस है वो बिजनेस रन करने में बेनिफिशियल है। माई सब्जेक्ट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स थ्रू जूनियर कॉलेज हैज हेल्प मी ग्राफ एनालिटिकल कंसेप्ट एट अ ब्लिस्टरिंग पेस एंड बिलीव आई एम वेल इक्विप्ड टू फेस द चैलेंज ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स एट डिग्री लेवल। वो फिर से कह रहे देखो कि माई सब्जेक्ट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स थ्रू जूनियर कॉलेज हैज हेल्प मी ग्राफ एनालिटिकल कंसेप्ट एट अ ब्लिस्टरिंग पेस। वो कह रहे हैं कि जूनियर कॉलेज में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और अकाउंट्स पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये मुझे जो इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज मुझे ग्रास्प करने में वो मुझे गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। एट द सेम टाइम जो एनालिटिकल कंसेप्ट, एनालिटिकल उसको थोड़ा सा हम डिटेल में उसको सोचते हैं कि वो जो एनालिटिकल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, वो कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मुझे एक पेस दे रहा है, मुझे कहीं स्पीड दे रहा है उसके बारे में जानने के लिए। एंड I believe I am well equipped to face the challenge of studying economics at degree level. और कह रहा है कि अगर मैं डिग्री लेवल में, अगर मुझे चांस मिलता, मुझे चांस मतलब मुझे डिग्री लेवल में इकोनॉमिक्स, मुझे जो कोर इंटरेस्ट मेरा इकोनॉमिक्स है, तो मैं डिग्री लेवल में जो मैं इकोनॉमिक्स में अपना करना चाहता हूँ ग्रेजुएशन, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए चैलेंज को फेस करने के लिए होगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स डिग्री लेवल में मैं मतलब चैलेंज को ले सकता हूँ और किस तरीके से मैं उसको और ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकता हूँ। आई एम अवेयर दैट इकोनॉमिक्स इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू मैथ्स एंड फॉर दैट रीजन आई हैव स्टडीड मोर रिगरस टॉपिक्स दैट आई विल फर्दर डेवलप एट द यूनिवर्सिटी लेवल इंक्लूडिंग कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक मॉडल्स। अब वो कह रहे देखो कि आई एम अवेयर दैट इकोनॉमिक्स इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू मैथ्स, क्योंकि मुझे पता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही रिलेट करता है मैथ से, बिकॉज इकोनॉमिक्स है तो स्टैटिस्टिक आता है, दैट इसको हम स्टाटा कहते हैं, वो आता है, हमें वैल्यूज पुट करनी होती है। अगर हम एडिटिंग ऑडिटिंग की बात करें तो ऑफकोर्स ऑडिटिंग में हमें नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशंस होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, अवेयर कि इकोनॉमिक्स स्ट्रांगली किससे रिलेट करता है, मैथ से। एंड फॉर दैट रीजन आई हैव स्टडीड मोर रिगोरस टॉपिक्स दैट आई विल फर्दर डेवलप एट द यूनिवर्सिटी लेवल। और कहती है मैं बहुत ही रिगोरसली, मैं बहुत ही हार्ड यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ किसके बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, जो मुझे क्या करना है, जो मुझे डिग्री लेवल पर मुझे और ज़्यादा डेवलप करना है उसके बारे में, एंड इंक्लूडिंग कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स मैटर्स। वो बोले कि जैसे कैलकुलेशंस करना और जो स्टाटा है उसको प्रॉपरली पुट करना उसकी वैल्यूज को, तो कहीं ना कहीं करके जो चैलेंज है डिग्री लेवल का, आई वुड लाइक टू फेस दैट चैलेंज एट द डिग्री लेवल। वन ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट ओपन मी टू अ होल न्यू पर्सपेक्टिव And World Economy was the Indian Model United Nations Conference in which I was the press corporate writer assigned to the Economic Committee. अब देखो क्या कर रहा है कि हमने देखा कि पहले कहा SOP में कि अगर आपने कुछ इंटर्नशिप की है, अगर आपने कुछ कोर्स किया है, तो आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो कह रहा है कि देखो कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, एक्चुअली जो है पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड इकोनॉमी का, जहाँ पर इंडियन मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर मैंने
में प्रेस क्रॉप राइटर था और असाइन टू द इकोनॉमिक्स कमिटी, और मेरा क्या था, मैं इकोनॉमिक्स कमिटी में था। दिस हैज हेल्प मी अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। और कह रहा कि जब यहाँ पर मैं था, यहाँ पर मैंने एक प्रेस क्रॉप राइटर करके मैंने यहाँ पर जब मैंने काम किया, तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो इंट्रिकेसीज है उसके, जो हम जिसको कहते हैं कि एक जो उसका एक कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, मुझे समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। एंड गिवन मी अ चांस टू डिस्कस एंड पजल और इकोनॉमिक इश्यूज एंड चैलेंज मी टू थिंक इन वेज आई हैव नेवर बिफोर। और वो कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब गिवन मी अ चांस टू डिस्कस, मुझे चांस मिला है डिस्कस करने में, और जो इकोनॉमिक्स जो पजल्स है इकोनॉमिक्स इश्यूज के, जैसे बहुत सारे ऐसे इंट्रिकेसीज होते हैं, बहुत ज़्यादा से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, वो समझने में मुझे हेल्प हुआ है। एंड शायद से इसके पहले चैलेंजेस मैंने कभी मेरे यहाँ पर फेस नहीं किए थे, वो चैलेंजेस अब मैं फेस कर रहा हूँ। माय पैशन फॉर राइटिंग लेड मी टू सिक्योर द पोजीशन ऑफ सब एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन कमिटी। और वह कह कि मेरा जो राइटिंग का पैशन था वो मुझे और ज़्यादा आगे ले गया, जो स्कूल मैगजीन कमिटी है वहाँ पर मैं सब एडिटर था। वेयर आई रिव्यूड एंड एडिटेड एसेज टू बी पब्लिश, जहाँ पर मैं क्या कर रहा था, जो एसेज थे उसको मैं एडिट कर रहा था, उसको मैं रिव्यू करके उसको पब्लिश कर रहा था। आई वॉज सिलेक्टेड एज अ स्टूडेंट्स काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव एंड माई ड्यूटीज इन्वॉल्व एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और कह कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का मैं रिप्रेजेंटेटिव मुझे चुना गया था, और मेरी ड्यूटी क्या थी, मेरी ड्यूटी ये थी जो स्टूडेंट्स का जो इंटरफेस है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि ड्यूटीज इन्वॉल्व एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मतलब जो स्टूडेंट्स है और जो गवर्नर्स है उस स्कूल के, उन दोनों के बीच में मुझे मेडिएटर का, हम जिसको बोलते हैं मेडिएटर, मध्यस्थी, उसका काम वो करना, उनका वो जॉब था। पुटिंग फॉर द इशूज फेस बाय स्टूडेंट्स एंड वर्किंग टूवर्ड सोल्यूशंस फॉर देम। अब वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, हमको पता है कि जब हम सी आर कहते हैं या पी एस आर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना, किसके साथ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर गवर्नर्स है उनके साथ। आई ऑल्सो टुक पार्ट इन द यूथ आइकॉन अवार्ड्स, वो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बता रहा है, वो कह रहा है कि मैंने यूथ आइकॉन अवार्ड्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। आई वॉज आइडेंटिफाइड एज एन इम्पॉर्टेंट मेम्बर ऑफ माई ग्रुप, तो कहता है कि मेरा जो ग्रुप था वहाँ पर बहुत एक शायद से बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था वहाँ पर। एंड परफॉर्म द टास्क ऑफ सक्सेसफुली गाइडिंग माई टीम थ्रू मैनी एक्सपेडिशंस। और कह रहे हैं कि जो मेरा टास्क था एज अ स्कूल रिप्रेजेंटेटिव या फिर यूथ आइकॉन, वो मैं बहुत ही अपनी टीम को गाइड कर रहा था, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मैंने एक फुलफिल किया है अपने टास्क को। आई एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन एज ऑफन एज आई कैन, वो कह रहा कि जब मुझे चांस मिला तब मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ। बैडमिंटन हैज टॉट मी अ वाइटल लेसन टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पुअर शॉट, वो कहता है कि बैडमिंटन में खेलता हूँ बिकॉज ये मुझे कहीं ना कहीं सिखाता है कि जो पुअर शॉट होते हैं, जैसे आपको पता है बैडमिंटन में पुअर शॉट होता है हमारा, मतलब हमने अच्छा शॉट नहीं खेला तो सामने वाला उसका बेनिफिट लेता है। वो कहता है कि कहीं ना कहीं ये जो बैडमिंटन मुझे सिखाता है कि अगर हम पुअर शॉट मारते हैं, पुअर शॉट अगर हम करते हैं तो क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो कहते हैं कि वो मुझे यहाँ पर सीखने को मिला बैडमिंटन में। आई हैव लर्न्ड नॉट टू ड्वेल ऑन एनी मिस्टेक्स, वो कहते हैं कि मैं सीखा हूँ कि अगर आपने कुछ मिस्टेक्स किए तो यू डोंट वॉन्ट टू लिंगर ओवर दैट वन, आपको वहीं पर रहने की जरूरत नहीं है जो आपने मिस्टेक किया, यू डोंट वॉन्ट टू थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट दैट मिस्टेक, इट मीन्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड यू हैव टू जस्ट मूव अहेड इन योर लाइफ, बट टू एक्सेप्ट देम एंड मूव ऑन बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉट इन बैडमिंटन इज द नेक्स्ट वन। जैसे इन्हें कहा, वो कह रहा है कि अगर हम मिस्टेक्स करते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, आपको वहीं पर सोचना चाहिए कि मेरे हाथ से मिस्टेक हुई है, कैसे हुई, हाँ यू नीड टू एक्सेप्ट इट, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज बैडमिंटन में आपको यही सिखाया जाता है कि अगर आपने एक पुअर शॉट मारा है तो आपको एक नेक्स्ट चांस मिलता है अच्छा शॉट मारने का। आई एम एन एमेच्योर गिटारिस्ट, म्यूजिक हेल्प्स मी टू रिलैक्स एंड अनविंड, वो कहते हैं कि मुझे गिटार में बड़ा इंटरेस्ट है प्ले करने में, और कहीं ना कहीं जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक बहुत आपको हेल्प करता है एक आपको रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा एक टेंशन से रिलीफ मिलने के लिए। आई फर्मली बिलीव दैट एनालिटिकल टूल्स from the fields of economics and mathematics are essential for a deep understanding of the world.
ओके देखिए, मेरा बहुत ही एक स्ट्रांग बिलीफ है कि इकोनॉमिक्स फील्ड में जो एनालिटिकल टूल्स है और मैथमेटिक्स, वो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी, उसको समझने के लिए मुझे हेल्प करता है। आई नो दैट द यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली विद देयर फैंटास्टिक इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स कैन हेल्प मी रियलाइज माई ड्रीम ऑफ सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड इकोनॉमिक सिचुएशन। अब लास्ट लाइन से हमें पता चला कि कहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दैट्स व्हाई दैट स्टूडेंट इज मेंशनिंग कि मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही फैंटास्टिक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स है या फिर गाइड्स है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो मेरा ड्रीम है कि ये जो इकोनॉमिक्स सिचुएशन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसको सिंप्लीफाई करने, तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी उसको सिंप्लीफाई करने का जो मेरा सपना है, वो सपना शायद से अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती तो मेरा सपना वहाँ पर पूरा हो सकता है। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही फैंटास्टिक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम फुलफिल करने में मुझे क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये जो है उन्होंने दिया अपने इकोनॉमिक्स के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है वो इस इकोनॉमिक्स के बारे में वो अपना इंटरेस्ट बता रहा है और उसको क्या करना है फ्यूचर में वो बता रहा है। सो एज नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर दिस लेसन। अब यहाँ पर अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो A1 हम छोड़ देंगे। अगर हम A2 की बात करें तो यू मस्ट हैव डिसाइडेड योर एम इन लाइफ, विच इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी यू वुड लाइक टू जॉइन फॉर योर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन। Write a statement of purpose as a part of your application to the institute or university. It is an example to solve. तो यहाँ पर बोले कि अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आपको you just take the help of all these points. आप यहाँ के points की help लो और आप किस तरीके से उसको solve कर सकते हो, just try to solve it in your own words. So this is for today's video. Hope you understood it. And just go through the lesson, try to understand कि किस तरीके से हमें अपना SOP लिखना है, that is statement of purpose लिखना है। And as I told you before that it is asked for 4 marks in board exam। वहाँ पर आपको choices रहेंगे, एक choice वहाँ पर ये भी रहेगा statement of purpose का। So hope you understood this one, so take care।